नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। सौम्या मिश्रा ने प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल कर रचा इतिहास। शिवांक और नीतू ने भी मारी बाजी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 का रिजल्ट जारी हो गया है। उन्नाव के सौम्या मिश्रा ने बाजी मारते हुए प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है। वहीं पान की दुकान के बाद शिक्षक बने नीतू ने PCS परीक्षा पास कर मैदान फतेह कर लिया है। कुछ करने की चाह रखने वालों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, यह साबित किया जिले के तीन होनहारों ने, जिसमें सौम्या मिश्रा ने PCS परीक्षा परिणाम में जहां प्रदेश में दूसरे स्थान पर रैंकिंग बनाई, वहीं पान लगाने वाले नौजवान ने जब 20 साल की कड़ी मेहनत की और PCS में सफल होकर दिखाया, तीसरे होनहार ने 13वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। असोहा ब्लॉक में गांव अजयपुर निवासी अकबाल शंकर मिश्रा ADO पंचायत से रिटायर हुए थे। उनके बेटे राघवेंद्र मिश्रा की 1994 में दिल्ली के यमुना बिहार B1 में स्थित राजकीय सर्वोदय कॉलेज में बतौर हिंदी शिक्षक तैनाती मिली। तब से वह दिल्ली में ही सेवाएं दे रहे हैं। राघवेंद्र भरपुरा इलाके में पत्नी रेणु मिश्रा, बड़ी बेटी सौम्या मिश्रा, बेटी सुमेघा और छोटे बेटे शाश्वत रत्न मिश्रा के साथ रहते हैं। बेटी सौम्या ने भूगोल विषय से परास्नातक की शिक्षा ली है। PCS में दूसरे प्रयास के बाद सफलता हासिल की है। 2021 की परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ बैठी थी, पेपर अच्छे गए थे। सौम्या ने अपने माता पिता के स्नेह और भूगोल के गुरु अरुण कुमार त्रिपाठी को श्रेय दिया है। पान की दुकान से पहले बने शिक्षक अब PCS में लहराया पर्चा। स्टेशन रोड बांगरमऊ निवासी नीतू कुमार गुप्ता अभी गंज मुरादाबाद के प्राथमिक विद्यालय हटवा में शिक्षक के पद पर तैनात है, जिनका चयन 2020 में 69,000 भर्ती में हुआ था। नीतू ने बताया कि इससे पहले 2018 में इसी पद पर उनका चयन हो चुका है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। नीतू ने बताया कि उन्होंने 20 साल तक कड़ा संघर्ष किया, तब जाकर मास्टर बनने का ख्वाब पूरा हुआ। इसके बाद वह PCS बनने की तैयारी कर रहे थे। बुधवार को आए परिणाम में वह सफल हुए। नीतू के पिता फूलचंद्र प्राइवेट नौकरी करते हैं, जबकि माता श्रीकांति गुप्ता का 2015 में निधन हो गया था। अपनी माता के निधन के दिन नीतू लोअर PCS का फाइनल इंटरव्यू दे रहे थे। नीतू ने BEd, MEd व शिक्षा शास्त्र में नेट किया है। बीघापुर तहसील के ग्राम मानपुर निवासी शिवांक सिंह ने UPPCS 2021 के जारी परिणामों में डिप्टी SP कैटेगरी के पद पर 13वीं रैंक हासिल की है। शिवांक के परिणाम की खबर से परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शिवांक इस सफलता के पीछे श्रेय माँ पिता के साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षक पर बाबा शिवदर्शन सिंह को देते हैं। शिवांक के पिता दिवाकर सिंह किसान और माँ सुशीला सिंह गृहिणी है। वह 4 साल से दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे थे। नेट परीक्षा पास करने वाले शिवांक ने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास की है। शिवांक की प्रारंभिक शिक्षा त्रिवेणी काशी इंटर कॉलेज बिहार से हुई। स्नातक सेमिनी रायबरेली स्थित महाविद्यालय से किया। परास्नातक इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली से करने के बाद सिविल सेवा की तैयारियां शुरू की। RPS समाचार टीम। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।